17 अक्टूबर दोपहर 1:15 बजे नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने जा रही है और इस फैसले से ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो को हरियाणा सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। क्यों, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अभी अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिलता है। इनकी लिस्ट राष्ट्रपति बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि इस लिस्ट में राज्य सरकारें सिर्फ उपवर्गीकरण कर सकती हैं और कुछ सीटों को एक अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अंकित कर सकती हैं। कोर्ट का यह मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है और कुछ जातियां बाकियों से ज्यादा पिछड़ी हुई। बस कोर्ट का यह फैसला आते ही नया विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध। समर्थन करने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल थे। लेकिन दलितों का मसीहा बनने वाले कुछ राजनीतिक दल लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उनमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी शामिल है। अब जब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानते हुए आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने की बात मानी है तो मायावती इसे षड्यंत्र करार दे रही हैं और कह रही हैं कि ये दलित विरोधी फैसला है। ऐसा करके सरकार दलितों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हरियाणा के इस फैसले से किन जातियों को लाभ मिलेगा। दरअसल अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था तब नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा। आयोग की सिफारिश के हिसाब से इस कोटे का आधा यानी 50% और कुल कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में आधिकारिक रूप से कुल 36 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल हैं। वो हैं अधर्मी, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बटवाल, बोरिया, बाजीगर, बंजारा, चनल, दागी, दरेन, देहा, धानक, धोगरी, डुमना, गगरा, गंधीला, जुलाहा, खटिक, कोरी, मरीजा, मजहबी, मेघ, नट, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, संघाई, संघाल, सांसी, संसोई, सपेला, सरेरा, सिगलीगर और सिरकीबंद। अब हरियाणा में वंचित अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के अंदर आरक्षण देना लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का वादा किया। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है और इसमें करीब करीब 27.5 लाख की हिस्सेदारी वंचित अनुसूचित जातियों की है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इन जातियों से आने वाले लोगों की हिस्सेदारी कुछ इस तरह है। वंचित अनुसूचित जातियां ग्रुप ए 4.5%, ग्रुप बी 4.14%, ग्रुप सी 6.27%। वहीं राज्य में दूसरी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी 27.5 लाख के आसपास है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी अगर हम अनुसूचित जातियों की बात करें तो ग्रुप ए में 11%, ग्रुप बी में 11.31% और ग्रुप सी में 11.8%। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि वंचित अनुसूचित जातियों में सिर्फ 3.53% आबादी ग्रेजुएट है, 3.75% आबादी 12वीं, 6.63% आबादी हाई स्कूल और 46.75% लोग निरक्षर। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बात कही थी। ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। इस बारे में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि फैसले का सकारात्मक पहलू यह है कि जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब नकारात्मक पहलू यह है कि इससे दलितों के बीच ही गुट बन जाएंगे। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है जब उन्होंने प्रभावशाली जाति वर्ग के खिलाफ उन्हीं के वर्ग से दूसरी जातियों को खड़ा कर दिया। हरियाणा में जाट प्रभावशाली हैं तो मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को सीएम बनाया, जबकि ये दोनों ही गैर जाट हैं। वरिष्ठ पत्रकार इसे दलित कार्ड से भी जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि हरियाणा में तब सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही थी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 5 सीटें गंवाई थी। इस चुनाव से पहले आचार संहिता के बावजूद इन्होंने ये फैसला लिया था, इसलिए ये एक औपचारिकता है क्योंकि पहले लागू नहीं हो पाया था।
इसमें उन्होंने दलित कार्ड खेला है और पहले सीएम खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी कार्ड खेला था। तो वैसा ही कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती भी कह रही है। मायावती ने इस फैसले को फूट डालो राज करो से जोड़ा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, हरियाणा सरकार के ऐसा करने से यह साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाने और फिर इसे समाप्त करना चाहती है, जो घोर अनुचित है। बीएसपी इसकी घोर विरोधी। एससी एसटी और ओबीसी समाज को संगठित और एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब मायावती ने आरोप लगाया तो इसका जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार की तरफ से एससी एसटी में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा है और जो बहुत पीछे रह गए, उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। अब जहां मायावती हरियाणा सरकार के फैसले को विभाजनकारी बता रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी उनका साथ देते हुए फैसले को बांटने वाला बता रही है। कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल कहते हैं कि भाजपा का काम ही बांटने वाली राजनीति करना है और यह फैसला भी दलितों को बांटने वाला है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने जैसा है, जंग करने जैसा है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी दूसरे राज्यों में भी अनुसूचित जातियों में ऐसा वर्गीकरण कर सकती है? इस सवाल के जवाब में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे कर्नाटक में दलितों में कुछ दलितों के प्रति छुआछूत है और कुछ के प्रति नहीं। ये अलग अलग राज्य की परिस्थितियों पर ज्यादा निर्भर करता है। राज्य सरकारें इसका अवलोकन कर सकती हैं। असल प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उनकी आत्मा सहित लागू करने का, यानी संविधान की जो आत्मा है उसके साथ संविधान को लागू करने का। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के फैसले का विरोध करने वालों में बहन मायावती अकेली नहीं है। इस मामले में उनका साथ आजाद समाज पार्टी कांचीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी दे रहे हैं। लेकिन दोनों की ये जुगलबंदी वाकई दलितों को लुभाने का काम कर पाएगी, ये वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।